क्या कलयुग 2025 में खत्म हो जाएगा? क्या भगवान विष्णु के कल्कि अवतार जल्दी एक नया युग का शुरुआत करेंगे? तो सद्गुरु का कहना है कि अब कलयुग नहीं बल्कि द्वापर युग चल रहा है और कलयुग कई हजारों साल पहले खत्म हो चुका है। तो आज के वीडियो का टाइटल है कलयुग इज द एंड इज नियर। तो आज मैं आपको वो सब चीज बताऊंगा जो मुझे मेरे रिसर्च के वक्त पता चला है। तो सबसे पहले सद्गुरु के हिसाब से कलयुग ऑलरेडी खत्म हो चुका है और अभी द्वापर युग चल रहा है जो आने वाले 2082 यानी 2082 में खत्म हो जाएगा। और मैं हैरान हो गया जब मुझे पता चला कि वेदस के हिसाब से ये सही भी है, क्योंकि वेदस में सतयुग का ड्यूरेशन लगभग 5184 साल बताया गया है, वहीं त्रेता युग का 3888 साल, द्वापर युग का 2592 साल और कलयुग का 1296 साल है। अगर आप इसको थोड़ा नोटिस करोगे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न मिलेगा। कलयुग के ड्यूरेशन को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आएगा द्वापर युग का ड्यूरेशन, अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आएगा त्रेता युग का, और वैसे ही अगर मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आएगा सतयुग का ड्यूरेशन। और त्रेता यानी रामायण लगभग 7000 साल पहले खत्म हुआ था और द्वापर युग यानी महाभारत लगभग 3000 BC यानी आज से 5000 साल पहले खत्म हुआ था। यानी इसका मतलब है कि कलयुग यानी जो 1296 साल तो कब का खत्म हो चुका है, क्योंकि भाई महाभारत का अंत 3140 BCE में हुआ था और कृष्ण भगवान 3102 BCE में दुनिया को अलविदा किए थे। और ये माना जाता है कि महाभारत खत्म होने के 2-3 महीने बाद ही द्वापर युग का अंत हुआ था और आज के 2023 तक ये होता है लगभग 5163 साल। यानी अगर हम कलयुग के ड्यूरेशन को इससे सब्सट्रैक्ट करें तो आता है 2571 साल, यानी कलयुग कब का खत्म हो चुका है। और भगवान कृष्ण भी कहते थे कि 5000 साल के बाद एक गोल्डन पीरियड आएगा जब पढ़ाई मेडिटेशन ये सब का कुछ फायदा नहीं होगा, बस जो भगवान के शरण में जाएगा और हरि नाम जपेगा तो उसका जीवन सफल होगा। चलो आपको और एक हैरान बात बताता हूँ। वेदस के हिसाब से जो आदमी कलयुग में रहेगा उसका लाइफ एवरेज 50 साल तक ही होगा और 1800 में लोगों का एवरेज जिंदगी 50 साल ही था, और भाई अब तो वो बढ़ के 72 साल का हो गया है। पर क्या इसका यह मतलब है कि कलयुग खत्म हो चुका है? चलो अब ये मान के चलते हैं कि एक युग अपने आप को फिर से दोहराता है, यानी कलयुग के बाद और एक कलयुग, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज कलयुग है और अचानक कल ही सतयुग आ जाएगा। अब अगर हम सारे युग के ड्यूरेशन को मिला दे तो 12960 साल बनता है और इसे डबल कर दे तो होता है 25920 साल। पर अभी भी अगर हम कलयुग के ड्यूरेशन को डबल करें तो आता है 2592 साल। तो इसके हिसाब से भी कलयुग कब का खत्म हो चुका है, क्योंकि भाई महाभारत का अंत 3140 BC में हुआ था। अब ये सारे थ्योरी को अपोज करने के लिए आया है पुराण और भागवत गीता। देखो पुराण में देववर्ष के बारे में कहा गया है, एक देववर्ष कलयुग चल रहा है, ऑफ कोर्स खत्म होने वाला नहीं, अब तो बहुत टाइम है इसको। कोई आप डेट दे सकते रफली कि कब स्टार्ट हुआ था? इट वाज 18th फरवरी 3102 BC, तो ये 5000 साल हो चुके हैं और अभी 427000 साल और बाकी है बस। चलो अब कुछ अलग थ्योरी के तरफ चलते हैं। अगर हम राम सेतु का कार्बन डेटिंग करें तो पता चलता है कि वो 7000 साल पुराना है। वैसे ही महाभारत के कई सबूत के आधार पर उसे 5000 साल पुराना बताया गया है, यानी युग के बीच में कई लाखों साल का अंतर भी नहीं है। यानी हमारा वेद और भागवत गीता दोनों ही गलत साबित हुए। अब आता है पंचसका के द्वारा लिखा गया भविष्य मालिका। पंचसका यानी पांच ऋषि, उनमें से ही एक थे अच्युतानंद दास, जिसको डिवाइन विजन मिला था। उन्होंने ही भविष्य मालिका में फ्यूचर के बारे में कई प्रेडिक्शन किए थे, जिसमें थे कुछ तो गलत साबित हुए और कुछ सही भी। और भविष्य मालिका में अच्युतानंद दास ने कहा है कि 2025 में महाविनाश आएगा जो 2027-28 तक चलेगा। और भाई इसका थोड़ा थोड़ा अंदाजा अभी से ही हमको मिलने लगा है। देखो भाई अब इसराइल और पैलेस्टीन का वार, अच्युतानंद दास अपने भविष्य वालिका में लिखे हैं कि
कलयुग में चारों ओर असत्य और अधर्म होगा, सत्य का नाश होगा और एक टाइम आएगा जिसको घोर कलयुग कहा जाएगा, जब बस चारों ओर असत्य और अधर्म होगा और कोई भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तब कलयुग का धाम श्री जगन्नाथ धाम समुन्दर के अंदर डूब जाएगा और भगवान कल्कि एक नए युग का शुरुआत करेंगे, जब चारों ओर बस सत्य और धर्म होगा। बोर हो जाएगा, फिर आएगा घोर कलयुग। उसकी शुरुआत होती है फिर एसिड रेन से। एसिड रेन से सारी वेजिटेशन खत्म हो जाएगी। जब वेजिटेशन खत्म होगी, देन पीपल विल बिकम कैनिबल्स एंड आई ईट यू, यू ईट मी। अब ये सारे डिस्कशन और टॉपिक से हमें यह पता चला कि युगों का अवधि कोई लाखों हजारों साल नहीं है और कलयुग अभी अंत भी नहीं हुआ है, क्योंकि भाई कल्कि अवतार तो अब तक आए ही नहीं। पर भाई ये तो सही है कि कलयुग का अंत बहुत ही करीब है।